नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में आज जो हमारी फोर्थ यूनिट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। ठीक है जी, तो देखें आप, फर्स्ट न्यूमेरिकल स्क्रीन पर आपके सामने होगा। ठीक है जी, तो देखो क्या लिखा है, पढ़ो। लिखा है कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपको क्या निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है जी, यानी आपको लैम्डा निकालना है। फिर कह रहा है एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, तो नंबर फर्स्ट पार्ट क्या है, एक गोल्फ बॉल, गोल्फ की बॉल है 50 ग्राम की, यानी मास दे रखा है 50 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलो 10^-3 से मल्टीप्लाई करके, तो मास आ जाएगा आपका 5×10^-2 किलोग्राम। आगे क्या कहा, वेलोसिटी दे रखी है 20 m/s। ठीक है, आपको लैम्डा निकालना था, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, लैम्डा बराबर होता है h/mv। ठीक है जी, ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है जी, मैटर पार्टिकल के लिए या डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेव के लिए या मैटर वेव के लिए, है ना। तो h क्या है, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप याद रखिए 6.64×10^-34 जूल सेकेंड। ठीक है जी, क्लियर है। बाकी जो दे न्यूमेरिकल में, तो फिर वही वाली रखनी है जो h की वैल्यू देगा। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट आप कर लोगे कैलकुलेट h और mv की वैल्यू रख करके। फिर इसके बाद देखो सेकेंड पार्ट में कह रहा है एक प्रोटोन है मूविंग विद ए वेलोसिटी, तो प्रोटोन है तो मास कितना हो जाएगा प्रोटोन का, आपको पता है 1.67×10^-27 किलोग्राम। फिर कह रहा है वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2200 m/s। ठीक है जी, तो आपसे लैम्डा पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा बराबर h/mv लगाइए, ये भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन देते ही मास कितना होगा 9.1×10^-31 किलोग्राम। और इस बार काइनेटिक एनर्जी दी है। ठीक है जी, तो एनर्जी दी है कितनी, एनर्जी ई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे बदलते हैं, आपको पता होगा 1.6×10^-19 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6×10^-19 जूल, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होता तो 1.6×10^-19 से डिवाइड कर देते। ठीक है जी, तो आपसे लैम्डा पूछा है, तो एक फॉर्मूला और जानते हैं, लैम्डा बराबर है h/√2mev। ठीक है जी, याद करो ईवी वाला होता है ना, और यहाँ तो एनर्जी दे रखी है तो 2mk पढ़ा होगा आपने, है ना, ये काइनेटिक एनर्जी है तो k से ही डिनोट कर लो। ठीक है जी, तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, k की जगह ev रख देते हैं जो वोल्टेज देता था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दी है तो आप k रखोगे, है ना। तो अंडर रूट के भीतर 2 है, कांस्टेंट है, m दे रखा है, k दे रखा है, h तुम्हें पता ही होता है, इसे कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं इनका आंसर बता देता हूँ, करना आप कैलकुलेट। ठीक है जी, तो आपके लिए है ना एक तरीके से होमवर्क है, मैंने बता दिया किस तरीके से कैसे होना है, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। इसका आंसर आएगा फर्स्ट का 6.625×10^-34 मीटर। ठीक है जी, और सेकंड का आंसर आएगा 1.80 एंगस्ट्रॉम, और थर्ड का आंसर आएगा, ये भी एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, 3.9 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके तीन पार्ट थे, क्लियर है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए प्रोटॉन मूविंग विद वेलोसिटी, है ना। जो वेलोसिटी दे रखी है ना,
वो दे रखी है 1/20, और किसकी, वेलोसिटी ऑफ लाइट की, इस है ना सी की। तो सी की वैल्यू रख दो, क्या होती है 3 × 10⁸, तो बी बराबर आएगा 3/2 हो जाएगा 1.5, और एक जीरो कट गई तो इतना आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, आपसे डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछिए यानी लैम्डा, और किसके लिए कह रहा है, तो प्रोटॉन के लिए कहा, विद ए प्रोटॉन लिखा है ना, तो मास कितना होगा 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। ठीक है जी, फॉर्मूला लगाना आराम से हो जाएगा, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करियो, आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर आएगा 2.64 × 10⁻¹⁴ मीटर। क्लियर है? चलो जी, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो स्क्रीन पर आपके सामने होगा क्या लिखा है, कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, लैम्डा दे रखा है 3 × 10⁻¹² मीटर, और फिर एच दे रखा है, एच भी दे दिया, इस बार खुद नहीं देखना, 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, और आपसे एनर्जी पूछिए इस बार, तो आराम से हो जाएगा। फॉर्मूला आप जानते हो, ई बराबर होता है एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है जी, एच दे रखा है ना, और सी तुम्हें पता होता है, लैम्डा भी दे रखा है, ई आराम से निकल जाएगा, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा से। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये यहाँ से हो जाएगा, और इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो जूल में आएगा आंसर, फिर उसे डिवाइड कर दियो 1.6 × 10⁻¹⁹ से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, क्या आएगा 2.107 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, चलो फिर आगे, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो व्हाट वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन, है ना, वोल्टेज पूछा है, व्हाट वोल्टेज, कह रहा है टू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दे दी 0.40 एंगस्ट्रॉम, इसे मीटर में बदल लो, 0.40 × 10⁻¹⁰ मीटर। ठीक है जी, बस क्या पूछा है, वोल्टेज पूछी है, तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, वी की टर्म्स में बताओ लैम्डा का फॉर्मूला, एच अपॉन अंडर रूट 2mEV, और इलेक्ट्रॉन कहाँ ना, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ, तो इलेक्ट्रॉन के लिए के बराबर ईवी रख देते हो आप, के बराबर क्यू इंटू वी होता है, लेकिन क्यू की जगह ईवी रखा जाएगा, मतलब क्यू की जगह ई रखा जाएगा और के की जगह ईवी। लैम्डा दे रखा है ना, एम पता होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, मास 9.1 या 9 लिख लियो, −10⁻³ kg। ठीक है जी, ई पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और वी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, पहले दोनों तरफ को स्क्वायर कर लियो, ऐसे कर लो, लैम्डा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन 2mEV, तो वी बराबर क्या आएगा, एच स्क्वायर अपॉन 2mE और इंटू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दो एच की, है ना, पता होती है, और एम की लिख दी, ई की लिख दी, लैम्डा की ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, तो वी का आंसर आएगा 960 वोल्ट। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वेलोसिटी, एक तो आपको निकालनी है वेलोसिटी, एक निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, और किसकी, न्यूट्रॉन की, तो मास ले लो न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो सेम ही होता है लगभग, है ना, और फिर क्या कहा, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को बदल लो मीटर में, और फिर आपसे कहा मास ऑफ न्यूट्रॉन तो दे रखा है, एच भी दे रखा है, एच दे रखा है 6.63 × 10⁻³ जूल सेकंड। ठीक है जी, आपसे क्या पूछा है, एक तो वी पूछा है, तो पहले वी निकाल लियो,
लैम्डा बराबर है एच अपॉन एम वी, तो वी बराबर आएगा एच अपॉन एम इंटू लैम्डा। एच की वैल्यू ये रही, एम की वैल्यू ये रही, लैम्डा की वैल्यू ये रही, ठीक है जी। यहाँ से वी निकाल लियो, ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन है और वी का आंसर आएगा 3.97 इंटू 10^3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, कर लोगे। और देखो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी और बता दो। तो काइनेटिक एनर्जी बताना वी निकलने के बाद आसान है, वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। एम भी है तुम्हारे पास और वी भी यहाँ से मिल गया है ना, इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगी। और इसका आंसर आएगा जूल में, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लियो इस, है ना, ये आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी, कर लोगे। तो इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन था। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7, वो फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पर। क्या कहा उसने, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए कहा। और इस बार एनर्जी दे रखी है 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन को बदल लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10^6 से मल्टीप्लाई करके, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लो 1.6 इंटू 10^-19 से मल्टीप्लाई करके। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लिया। और उसने कहा मास दे रखा है न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10^-27 kg। आपसे डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है, ठीक है जी। तो इस तरीके से है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकलेगी भाई, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी होता है, तो वी चाहिए पहले, ठीक है जी। और ये काइनेटिक एनर्जी है छठे में, है ना, छठा पढ़ो एनर्जी, तो एनर्जी कौन सी है, ये काइनेटिक एनर्जी है ना, इसे के से डिनोट कर दो और फॉर्मूला पहले लगा लो के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर वाला। यहाँ से आप पहले वी निकाल लो, ठीक है, के दे रखा है ये रहा, एम दे दिया ये रहा, ठीक है जी। इस तरीके से आप यहाँ से वी निकाल लेंगे और सिक्स क्वेश्चन में वी जो आएगा आपका वो निकल जाएगा 1.564 इंटू 10^7 मीटर पर सेकेंड। वी निकालने के बाद अब तो आसान है, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी करियो, एम ये रहा, वी यहाँ से निकल गया, एच तुम्हें पता होता है, तो यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा, ठीक है जी। और लैम्डा कितना आएगा आंसर, तो 2.529 इंटू 10^-20 मीटर, ठीक है जी। इस तरीके से आंसर आएगा इसका, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। देखो कंप्यूट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन, ठीक है जी, लैम्डा निकालना है और काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो बराबर दे रखी है रेस्ट मास एनर्जी के, यानी एम नोट सी स्क्वायर के, ठीक। तो आपसे क्या कहा, मास दे रखा है प्रोटॉन का कितना, 1836 गुना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है जी। तो आपसे क्या पूछा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, तो फिर सबसे पहले आप क्या निकाल लो, वी निकाल लो, ठीक है जी। तो के बराबर एम नोट सी स्क्वायर है ना, ठीक है जी, और के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ से वी निकाल लियो, क्लियर है। तो वी जो आएगा आपका, मैं बता दूँ, 7th क्वेश्चन है ना, हाँ, यहाँ से जो वी आएगा, कैलकुलेट करके पूरा नहीं दिखा रखा है ना, ऐसे ही वी की वैल्यू रख रखी है जो भी इसमें निकाल के दिखाया, ठीक है जी। तो मैं बता दूँ आपको कैसे निकालना है, बस निकाल दियो, है ना। एम क्या है, मास है, और किसके लिए बात कर रहा है, 7th में प्रोटॉन के लिए बात की है ना। देखो कंप्यूट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास लोगे तभी तो प्रोटॉन की वेलोसिटी आएगी, क्योंकि लैम्डा प्रोटॉन के लिए निकालना है, ठीक है जी। लैम्डा पी कह दो, तो यहाँ भी क्या आएगा, एम पी, और यहाँ भी क्या आएगा, वी पी। अब आगे सुनो, प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है इलेक्ट्रॉन के।
तो इधर जो मास रखोगे, चलो मैं रखी दूँ, वो प्रोटॉन का रखना है, कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, ठीक है जी। और वीपी आपको निकालना है प्रोटॉन के लिए, और यहाँ जो है ये रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, पढ़ो देखो, इज इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ रेस्ट मास रखना है इलेक्ट्रॉन का, यानी 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। और सी तो सबके लिए सेम होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, है ना, और स्क्वायर है यहाँ, तो इसकी कैलकुलेशन करके मतलब है ना, आपको वीपी मिल जाएगा जो भी आएगा, कैलकुलेट नहीं करना आपको, ऐसे जो आएगा उस वहीं रख दियो वैल्यू। फिर आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा पी प्रोटॉन के लिए तो एच अपोन एम पी इंटू वी पी, ठीक है जी। तो एम पी ये रहा, क्लियर है, यह हालांकि इसकी तो कोई ज़रूरत पड़ने की नहीं है, एम पी तुम्हें पता ही है, देखो एम पी की वैल्यू पता ही है, ये रही, ठीक। तो यहाँ पे आप एम पी की वैल्यू रख दोगे, एच के रख दोगे और वी पी के रख देना, ठीक है जी। वी पी क्या है, यहाँ से निकल जाएगा, तो इस तरीके से लैम्डा पी मिल जाएगा, और लैम्डा पी कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.004 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्लियर है। एक मेथड तो मैंने बताया, एक मेथड और है इसे थोड़ा करने का आसान, यहाँ पे आप देखो, इसके बाद मैं यहाँ बता दूँ जो मैंने कराया था उसका स्क्रीनशॉट ले लियो। देखो ये है एम नोट, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है ना ये, तो चलो आप फिर यहाँ एम ई ही कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसका मतलब है एम पी कितना दे रखा है, 1836, तो 1/2 एम पी की वैल्यू रखो 1836 एम ई, और वी पी का स्क्वायर बराबर एम ई सी स्क्वायर, ठीक है जी। तो आपको यहाँ से एम ई कट जाएगा, और ये है ना 9 और ये 18, ठीक है, 918 तो आएगा, तो ये बचेगा वी पी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वी पी देखो बहुत आसानी से निकल जाएगा, तो यहाँ से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी यदि इस मेथड से करोगे, यहाँ से वी पी निकालते ही वहाँ पे रख दो, है ना। तो इस तरीके से एम पी वी पी की वैल्यू रखोगे एच की, तो आंसर आ जाएगा 0.004 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, मीटर में आएगा पहले, फिर उसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है जी। तो ये था आपका एग्जाम्पल, है ना, नंबर 7, ठीक है जी। इसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, स्क्रीन पर देखें आप, पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, यानी लैम्डा आपको ज्ञात करना है, और कह रहा है अल्फा पार्टिकल के लिए, तो इसका मतलब चार्ज है ना, अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो 2e होता है, ठीक है ना, प्रोटॉन के चार्ज का डबल, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और फिर कह रहा है एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, वी दे रखा है 4000 वोल्ट, विभवांतर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, एच दे रखा है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और मास दे रखा है प्रोटॉन का दे दिया है, चलो जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। देखो ध्यान दो, आपको निकालना है लैम्डा और वोल्टेज के टर्म्स में, तो लैम्डा वोल्टेज के टर्म्स में आपको पता है ये होता है फॉर्मूला, ये आपने पढ़ा, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं लगेगा इसमें, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एकदम यही वाला फॉर्मूला याद आएगा और फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए है केवल ये फॉर्मूला, और यहाँ है अल्फा पार्टिकल, तो ये की जगह क्यू आएगा, और क्यू की जगह रखा जाएगा ये, या 2e रखा जाएगा, ठीक है। और एम, एम भी मास है किसका, अल्फा पार्टिकल का, ठीक है जी। तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है ना, देखो मैं आपको बता दूँ, अल्फा पार्टिकल जो होता है ना वो होता है हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है, तो उसका जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल का, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का या प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना होता है, ठीक है जी, ठीक है, प्रोटॉन के चार्ज का कैसा होता है 2 गुना, ठीक है, ये याद रखो, ये अलग को लिख लो,
2He4 क्या है? अल्फा पार्टिकल, यह हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है जी, ये क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, 2He4 अल्फा पार्टिकल होता है, उस पर जो चार्ज है, ठीक है, टू है, प्रोटॉन पे वन होता है, वन ई है ना, प्रोटो इस पर टू ई होता है, तो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, और इसका जो मास है ना वो चार गुना है प्रोटॉन के मास का। ठीक है, ये अलग को लिख लियो आप, इन्फॉर्मेशन है कुछ, है ना, जो आपको काम आएंगी। क्लियर है? तो इस तरीके से एम एल्फा लिख लो, एम एल्फा होगा 2MP, वो 4MP, और MP आपको दे रखा है, देखो न्यूमेरिकल में पढ़ो, MP दे रखा है 1.67। ना भी दे तो तुम्हें पता होना चाहिए प्रोटॉन का क्या होता है। ठीक है जी, इस तरीके से। ठीक है जी, तो यहाँ एम अल्फा कर लो, यहाँ पे क्यू अल्फा कर लो। ठीक है जी, तो एम अल्फा ये रहा, क्यू अल्फा कर लो चाहे इसे, ये रहा, और वी ये दे रखा, एच ये दे रखा, तो इस तरीके से यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है जी, तो लैम्डा जो आएगा आपको आंसर, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, 1.63 × 10⁻³⁰ मीटर। ठीक है जी, क्लियर है? तो इस तरीके से ये लैम्डा दे रखा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9, देखो। ठीक है जी, ये देखो, ये क्या कहा, कैलकुलेट द रेशो, आपको रेशो निकालना है। ठीक है जी, किसका? डी ब्रोगली वेवलेंथ का, यानी आपको लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 निकालना है, दो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशो। और कह रहा है पहले जो बात है ना वो हीलियम मॉलिक्यूल के लिए है जो गैस चैम्बर में भरी है, मतलब दोनों ही बार हीलियम मॉलिक्यूल के लिए बात करनी है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग दे रखे हैं। T1 टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है जी, ये कैपिटल टी है तो 273 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना ये, केल्विन टेम्परेचर जिसे आप कहते हैं परम ताप। और T2 बराबर है 200 डिग्री सेल्सियस, तो 200 प्लस 273 क्या हो जाएगा, 473 केल्विन। ठीक है जी, और बस यही निकालना है। ठीक है जी, तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा मैंने कराया था, लैम्डा बराबर था एच अपॉन अंडर रूट 3 स्मॉल के और कैपिटल टी। ठीक है जी, कैपिटल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर था परम ताप, स्मॉल के था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, याद करो, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये। यहाँ से आप लैम्डा 1 निकालियो एच अपॉन अंडर रूट 3 m, देखो हीलियम गैस के लिए ही है तो m सेम रहेगा, और के भी, के तो कांस्टेंट है, लेकिन T1 टेम्परेचर T1 पर लैम्डा 1, और लैम्डा 2 निकालो टेम्परेचर T2 पर 3 m के, और ये T2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 यहाँ से निकालोगे ना तो क्या आएगा। ठीक है जी, तो अंडर रूट T2 ऊपर पहुँचेगा, डिवाइड करके देख लो चाहे, और T1 अपॉन में रहेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से यहाँ से T2 और T1 की वैल्यू रखोगे तो रेशो आ जाएगा, मैं आपको रेशो बता देता हूँ, 1। ठीक है जी, 1.13 है ना, रेशो 1, या लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 आ जाएगा इतना। ठीक है, बस क्लियर है, 1.13। ठीक है जी, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 आएगा 1.13। कर लेंगे, अलग सा टाइप का न्यूमेरिकल था इसे मैंने ये कराया, बाकी अब आपके इस टाइप के हर तरीके के न्यूमेरिकल आप कर सकते हो जो आपके डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। अब एक दो न्यूमेरिकल उसका कर लेते हैं जो वेव फंक्शन वाला टॉपिक था इस यूनिट में, बाद में ना, यूनिट दो भागों में विभक्त है ना, एक तो आपका डी ब्रोगली वाला कॉन्सेप्ट है और एक आपका वेव फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है।
तो एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं वेव फंक्शन के। देखो एक क्वेश्चन ये देखो, नौ क्वेश्चन हो गए ना, दसवा। देखो एक वेव फंक्शन दिया, ठीक है, साई एक्स, एक्स का फंक्शन है, और इस तरीके से देख रखा है ए एन साइन टू पाई एन एक्स अपॉन कैपिटल एल, ठीक है जी। रीजन दे रखा है, रीजन क्या है, तो ये दे रखा है जीरो, है ना, एक्स जो है जीरो के बराबर है या उससे छोटा है, या उससे बड़ा है, ठीक है जी। और कैपिटल एल, एक्स जो है कैपिटल एल से छोटा है, उसके बराबर है, ये तो बताता है। लिमिट जीरो से एल तक लेनी है, कहने का सीधा सीधा मतलब ये है। तो आपसे कह रहा है वैल्यू निकालनी है ए एन की, ठीक है जी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को यूज करते हुए। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मैंने आपको बताई थी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई एक्स, है ना, साई स्टार एक्स, ठीक है जी, एक्स के है ना टर्म में, बस ये एक्स का फंक्शन है तो इसलिए एक्स ही लिखा है, और यहाँ डी टू रहता है। लेकिन ये अभी ये चूँकि एक एक्सिस का लोग बात कर रहे हैं, तीनों एक्सिस का लोग नहीं बात कर रहे, इसलिए केवल डी एक्स आएगा। बताया था मैंने फिजिकल इंटरप्रिटेशन में ये बात, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बात करें तो वन के बराबर रहती है एंटायर स्पेस में, ठीक है जी। ये कंडीशन जो है आपकी, यही है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, इसी को आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये कंडीशन है। अब देखो, अब इसकी हेल्प से करते हैं, तो लिमिट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं है, क्वेश्चन में देखिए जीरो टू एल, तो लिमिट हो जाएगी जीरो टू एल साई एक्स, ये रहा ए एन साइन टू पाई एन एक्स अपॉन कैपिटल एल, ठीक है जी, ये साई एक्स है, तो साई स्टार एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बस ए एन पे स्टार लगा दो, ए एन स्टार है ना, बाकी सारा सेम रहेगा, क्योंकि आई तो है नहीं इसमें, स्मॉल आई की जगह माइनस आई हो जाता है, आपको बताया जब कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो बस इसमें ए एन स्टार कर लो और इंटू डी एक्स और बराबर है वन, ठीक है जी। तो ये बाहर देखो इंटीग्रल जीरो टू एल हो जाएगा ए एन स्टार, वो पहले तो ए एन ही रहेगा और इंटू में रहेगा ए एन स्टार, और हो जाएगा साइन स्क्वायर, है ना, टू पाई एन एक्स अपॉन एल और इंटू में डी एक्स बराबर वन, क्लियर है। देखो साई साई स्टार क्या होता है, आपको पता है मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ही आप यहाँ कर लो जीरो टू एल, इसे आप लिख सकते हो ए एन, मॉडुलस ऑफ ए एन का स्क्वायर, क्लियर है, साई साई स्टार बराबर मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर, तो साई की जगह ए एन है यहाँ पे बस। और ये एक काम कर लो, वन बाई टू बाहर लिख लिया और यहाँ लिख लो टू साइन स्क्वायर टू पाई एन अप, है ना, एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स बराबर क्या आएगा वन, क्लियर है। देखो इसके बाद इधर देखो, वन बाई टू ये मॉडुलस ऑफ ए एन स्क्वायर बाहर निकाल लो, लिमिट जीरो टू एल, और ये टू साइन स्क्वायर है ना ए क्या होता है, वन माइनस कोस टू ए अपॉन, है ना, देखो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, वन माइनस कोस टू ए ये होता है टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये फॉर्मूला टेंथ में था। तो टू साइन स्क्वायर ए की जगह आप ये लिख सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है। बस एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ जितना एंगल है ना, उसका डबल होता है यहाँ पर कोस टू ए, ठीक है, क्लियर है। या कोस टू ए बराबर होता था वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, क्लियर है। इस तरीके से कोस टू ए का फॉर्मूला भी आप उसकी तरह भी याद रख सकते हो। तो चूंकि मैंने ये इस रूप में बनाया ना, टू साइन स्क्वायर ए है ना, तो वहाँ क्या आएगा वन माइनस, ठीक है जी, क्या आएगा वन माइनस, साइन की जगह जाएगा कोस, और टू ए यानी जो एंगल यहाँ पे है उसका डबल, तो ये जो एंगल यहाँ पे है इसका डबल हो जाएगा, तो टू टू जा फोर हो जाएगा, ये फोर पाई एन एक्स अपॉन एल, क्लियर है, और इंटू में डी एक्स है और बराबर में वन है, आई बात समझे। अब तो बस इंटीग्रल कर दो, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए एन स्क्वायर अपॉन टू, इंटीग्रल करो, वन का क्या हो जाएगा एक्स माइनस
कोस का हो जाता है, देखो साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स और कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, लेकिन कोस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, ठीक है जी। तो साइन एक्स आएगा अपॉन एल, और देखो फिर इसका भी तो करोगे तो ये सारा आ जाएगा अपॉन में, एक्स का वन हो जाता है, ठीक है जी, क्लियर है। पहले तो कोस का क्या, फिर इस अंदर वाले का करोगे, ये अंदर वाला सारा अपॉन में आ जाएगा। इंटीग्रल आप समझते होंगे, जीरो टू एल, और इंटीग्रल कर दे तो डी एक्स हट जाएगा, है ना, ठीक है जी। वैल्यू किसकी निकालनी है, ए एन की वैल्यू निकालनी है ना। चलो तो मॉडुलस तो हटाई दो, ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट रखो एल माइनस, ये हो जाएगा एल अपॉन फोर पाई एन साइन फोर पाई एन एल अपॉन एल, ठीक है जी। एक्स की जगह एल रख दिया, अब फिर माइनस जीरो, एल की जगह जीरो रखो, यहाँ भी एक्स की जगह जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी सारा जीरो बराबर वन। आई बात समझ में, पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर बीच में माइनस का साइन लेते हैं, फिर लोअर लिमिट, यहाँ मैंने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दी साथ ही साथ, है ना, ठीक है जी। तो ए एन स्क्वायर बराबर वो अपॉन टू इंटू एल कॉमन ले लो दोनों जगह से, तो हो जाएगा एल, वो एल तो बाहर ले लिया बल्कि, तो कितना बचा वन माइनस, यहाँ देखो एल से एल कट गया, ठीक है जी। और ये साइन फोर पाई एन है ना, साइन फोर पाई, साइन जीरो पता है क्या होता है, जीरो, साइन टू पाई भी जीरो, तो साइन फोर पाई भी क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है जी, ये सारा जीरो हो जाएगा बराबर वन, ठीक है जी। इधर देख लो तो ए स्क्वायर ए एन स्क्वायर अपॉन टू बराबर आएगा एल, ठीक है जी, क्लियर है, नहीं अपॉन में आएगा बल्कि एल, ये बल्कि ए एन स्क्वायर क्या आएगा टू अपॉन एल, है ना, ठीक है जी। ये तो जीरो हो गया चूंकि, क्लियर है, वन की मल्टीप्लाई करके वही आएगा बराबर वन है, तो ए एन बराबर आएगा अंडर रूट टू अपॉन एल। आपसे ए एन पूछा था शायद, वैल्यू पता पूछी थी उसने ए एन की, है ना, ए एन की वैल्यू भी निकाल दी, और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन भाई क्या था फॉर्मूला, साई एक्स बराबर ए एन, ए एन की वैल्यू रख दो अंडर रूट टू अपॉन एल, और साइन टू पाई एन एक्स अपॉन एल, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, यानी ए एन की वैल्यू निकाल के आपने यहीं रख दी ए एन की जगह, तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, ये भी आपसे पूछ सकता है, और ए एन की वैल्यू तो उसने पूछी है, ठीक है जी। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपका वेव फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। और अब देखो एक क्वेश्चन इसी प्रकार का मैं आपको घर से दे रहा हूँ, ठीक है जी। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी यानी इसी की जो वैल्यू आएगी वो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है जी। स्क्रीन पे देख लो आप, ठीक है जी। फंक्शन दे रखा है, लिमिट दे रखी है जीरो टू एल, लेकिन बाद में कहा लिमिट जीरो टू वन बाई टू हो जाएगी, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है। तो इसी तरीके से आप करने का प्रयास कीजिएगा, और बाकी नहीं तो पीडीएफ नोट्स में आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से हुए है ना मिलेंगे, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है जी। टेलीग्राम चैनल में यदि कोई नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये न्यूमेरिकल इस यूनिट के कम्प्लीट होते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं MCQs के साथ, ठीक है जी। तब तक के लिए आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।